जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज गोनका डायमंड्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। ज्वेलरी से जुड़ी हुई काम धाम करती है स्टॉक, ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनाने का कारोबारी है इस कंपनी का, और एक अनोखा तरीके का चूंकि ये कंपनी काम करती है, चूंकि इस तरीके के जो काम करने वाली कंपनियां देखेंगे जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन जो छोटे स्टॉक्स हैं वो भी अब इस तरह के मार्केट में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स में जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको ट्रैक करना भी, और लंबी अवधि में ये समझना कि कितना पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसी सब कन्फ्यूजन को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करते हैं। आपको बताऊंगा कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपने बिल्कुल सही जगह इन्वेस्टमेंट किया है, आपको कैसे इसमें आगे चल के बेनिफिट होगा। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के काम की। तो जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी 1990 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई थी और डायमंड और ज्वेलरी से जुड़े हुए कारोबार करते हैं। देखिए जब ज्वेलरी की बात करते हैं सिर्फ सोना से ज्वेलरी नहीं बनता है, डायमंड से भी आपको ज्वेलरी डायमंड का यूज भी किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। हालांकि डायमंड्स का बहुत कम होता है क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग भी करती है डायमंड का और साथ में ज्वेलरी भी बनाती है, गोल्ड से भी ज्वेलरी बनता है और यहाँ पे डायमंड का भी यूज थोड़ा बहुत होता है ज्वेलरी के बनाने में। तो काम धाम तो काफ़ी बढ़िया है। देखिए वैसे तो सोना चांदी का जो व्यापार है, ये जो बिजनेस है, यही ओवरऑल कमाल का बिजनेस है। सिर्फ बिजनेस के बदौलत देखें तो शेयर प्राइस में भी लंबी अवधि में तेजी बने रहने के चांसेज रहेंगे। तो ये तो हो गया काम। अब समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसे, क्योंकि फंडामेंटल मजबूत नहीं रहेगा तो काम कंपनी का कितना भी बढ़िया हो लंबी अवधि में शेयर प्राइस में तेजी नहीं बनेगी। तो फंडामेंटल समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल समझते हैं। जैसे मार्केट का देखेंगे 25 करोड़ के आसपास है, यानी कि बहुत ही छोटी सी कंपनी है। और छोटी कंपनियाँ देखिए ऐसा नहीं होता ये ग्रो नहीं करती हैं, यदि बाकी चीज़ें उसमें ठीक रहते, कंपनी का जो मैनेजमेंट ओवरऑल सही से काम करते तो उसमें आगे चल के ग्रो होने के चांसेस रहते हैं। स्टॉक का पी है 79 पैसा, सॉरी करंट प्राइस और बुक वैल्यू से जो शेयर प्राइस से कम है, ये एक चिंता की बात है। जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है ना वो बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका माइनस में, क्योंकि देखिए सामान्यतः जो पेन स्टॉक होते हैं उनका रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में ही देखने को मिलता है, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग फेज में होती है। तो जब ये ग्रो कर जाएगा उसके बाद जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यह भी प्लस में आ जाएगा। ये सिर्फ यह बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी कितना परसेंट रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। अब आते हैं हम लोग कंपनी के एक साल के चार्ट पर, और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। सबसे पहले एक लेवल ड्रॉ करते हैं, ये जो 80 पैसा का लेवल है, एक मिनट में इसको सही से ड्रॉ कर दूं, ये हो गया 80 पैसा का लेवल और ऊपर में हो गया 85 पैसा का लेवल। 90 पैसा का लेवल को भी मान सकते हैं लेकिन ये थोड़ा दूर हो जाएगा, अभी चूंकि प्राइस इसी रेंज में चल रहा है तो इसी लेवल को हम लेते हैं। तो 80 पैसा का जो लेवल है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके नीचे प्राइस आएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल 75 पैसा के लेवल तक आ सकता है लेकिन उतना भी नहीं लेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो आपको पता है कि ब्रेकआउट होता है उसमें, जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा ना कि नीचे की तरफ आएगा। तो यदि कोई स्कॉल्पिंग करना चाहता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें पोजिशन बनाना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होता है। कोई व्यक्ति इसमें फंसा हुआ तो क्या करेगा, इसका जब प्राइस ऊपर निकलेगा 95 पैसा से 1 रुपये तक के लिए हो जा सकता है और यहाँ पे इजीली अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकता है। अब जो बड़े प्लेयर होते हैं क्या करते हैं, हैवी क्वांटिटी उठाते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करते हैं। लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेनिफिशियल ये काम होगा कि आप रेंज आउट पे पैसा लगाइए और वहाँ पे पैसा बनाइए। बाकी लॉन्ग टर्म का यदि आपका फ्यूचर है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको चुपचाप इसमें बने रहना है, इसमें बैठे रहना और अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहना, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है जब ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ कंपनी का जो फंडामेंटल है वह भी मजबूत होगा, और जब फंडामेंटल मजबूत होगा तो ओवरऑल जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो लंबी अवधि में आपको ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखेगा। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आप देखेंगे तो समय समय पर यहाँ पे शेयर प्राइस ऊपर गया भी है और आगे भी जाएगा। यहाँ पे देखिए डब्लू टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, डब्लू बना फिर प्राइस ऊपर गया और फिर यहाँ से एक नया डब्लू टाइप का आपको बनते हुए दिख रहा है। तो प्राइस जल्दी ऊपर जाने के चांसेज हैं, प्राइस ऊपर निकलेगा आपको इजीली 1 से 1.10 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है, आपको धीरज रखना होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में तो प्राइस इसके भी ऊपर जाएगा लेकिन आपको इसमें थोड़ा समय देना होगा। अब बात करते हैं हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के डेप्ट की। तो जो कंपनी के पास डेप्ट है टोटल 181 करोड़ के आसपास कंपनी के पास खर्चा है, जबकि इसका जो रिजर्व पैसा देखेंगे कंपनी के पास कितना रिजर्व कैश है तो वो 205 करोड़ के आसपास, यानी कि जितना कंपनी के पास कर्ज है उससे ज़्यादा कंपनी के पास क्या है कैश पैसा है। तो कंपनी जब चाहे इजीली अपने कर्ज को चुका सकते हैं। कंपनी चलाने थोड़े बहुत कर्ज सभी कंपनियों पर होते हैं तो इसमें भी है। बाकी क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें कंपनी का जो सेल्स है बढ़ते हुए दिखा है। देखिए ये है सेल्स और दिसंबर क्वार्टर में ओवरऑल पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले देखें तो इस बार सेल्स ज़्यादा हुआ, और सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ा है, कंपनी के यहाँ पे जो लॉसेज थे लॉसेज भी कम होते हुए आपको दिखें, क्योंकि पहले 58 लाख का था अभी बढ़ के सिर्फ 24 लाख के आसपास लॉस रह गया। अब क्या होता है कंपनी के पास जो पैसा आता है उसका यूज कंपनी अपने डेप्ट को कम करने में, जो जरूरी काम होते हैं उसको करने में उस पैसे का यूज करती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉफिटेबल अभी नहीं बनी है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी आपको प्रॉफिटेबल बन जाएगी, और एक बार कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी कंपनी के पास सारे खर्चे हट जाएंगे
तो उसके बाद फंडामेंटल धीरे धीरे ग्रो होगा, और काम तो काफी बढ़िया है। अब रही बात सिर्फ फंडामेंटल के ग्रो होने की, फंडामेंटल में जब ग्रो होगा तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने बताया जो माइनस में, वो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद शेयर प्राइस फराटा भरेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, उस पर अच्छी खासी तेजी आपको हर साल देखने को मिलेगी। तो यदि आपने निचले स्तर पर इसको उठाया हुआ है तो आपको बेशक इसमें होल्ड करना चाहिए, बाकी अगर करना नहीं करना यह आपके टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड मन में कोई दूसरा सवाल होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।